हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? पहले तो बोटिक गए थे, बोटिक में कुछ कपड़े सिलवाना था मेरा। फिर उसके बाद हम लोग शाम में गए मॉल। बच्चों को बहुत दिन से मन कर रहा था, मॉल नहीं गए थे तो मॉल घूमने गए थे। तो ये बस दिखा तो बच्चे जिद करने लगे एकदम से, हमको बैठना है। तो बस में बिठाए, राउंड हो गया बच्चों का, बहुत ही अच्छा था। और मम्मी भी खड़े खड़े मेरा वीडियो निकाल रही है वहाँ पे। मैं कुछ कर रही थी मोबाइल में, किसी का मैसेज आया था तो पढ़ रही थी, वो हो गया। और इतना बिजी गया उस दिन। 2000 years later। ये है मेरे भाई का घर, बहुत सुंदर घर है उसका। और बच्चे सारे इतने बिजी हो गए, उधर पपीज है ना, रॉबी लगता कोई मैं later। कहाँ जा रहे हो? गो कार्टिंग के लिए। हेलो, हाय गाइस, situations cause you're chasing the hurricane taking the name in vain। सब मिलके गो कार्टिंग के लिए गए थे। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, चारों बच्चे। और मेरे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं पहले कभी नहीं की थी। मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तुम्हारे लिए भी है, लेकिन बच्चों को क्रेज रहता है। मैं मना कर रही थी लेकिन मेरा भाई नहीं सुना कि एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो इसके लिए मैं भी ठीक है बोल के मैं भी बैठ गई। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा बाद में। एक्सेलेटर और ब्रेक तक मेरा पैर ही नहीं पहुंच पा रहा था, इसके लिए बहुत शर्म भी आ रहा था उनके सामने मुझे, लेकिन होता है। और पीछे कुशन रख रहे थे वो। मुझे सब समझा रहे थे एक्सेलेटर कौन सा है, कौन सा ब्रेक है, दो ही रहता है उसमें। लेकिन समझा रहे थे धीरे धीरे चलाना, लेकिन मैं बहुत ही धीरे चल गई। तो ये वैसा रेस था जैसे मम्मी टोर्टोइस है और मैं खरगोश हूँ, फिर भी मम्मी का लैप पहले ख़त्म हो गया मेरे से। लेकिन स्टेयरिंग बहुत ही हार्ड था उसका। Happen.
खेलने के बाद हम लोग उधर ही खाना खाए, बाजू में ही रिजॉर्ट था। और घर आते आते हमको पूरा 11:45 बज गया था, कैब में ही आए रात में। तो आते एकदम इतना थकान लग रहा था घर आने तक। ये देखिए सुनसान बैंगलोर रात को 11:30 बजे कैसे लग रहा है, लेकिन वहाँ पर मज़ा बहुत आया। और ये है नेक्स्ट डे, जब हम बैंगलोर से वापस आ रहे थे अपने घर, पूरा उदास है बच्चे। ये देखिए हम लोग आ रहे थे, ट्रेन का टाइम हो गया था, फिर भी बहुत सारे व्हीकल्स थे, बहुत ट्रैफिक जाम था उस दिन। मम्मी को छोड़ के आने में मुझे बहुत ही रोना आ रहा था, लेकिन मैं ऐसे ही आ गई बच्चे रोएंगे बोल के, लेकिन बच्चे मुझे देखकर ऐसे ही आ गए उदास। लेकिन ट्रेन में रात में देखिए मेरी बेटी सो नहीं रही है और रो रही है। मुझे सुबह पता चला, मेरा बेटा बोला कि हाँ समृद्धि भी रो रही है और मैं भी रो रहा था। तो उदास है बच्चे, क्या कर सकते हैं, छुट्टी के लिए जाते हैं तो आना भी पड़ेगा ना वापस। रात को 2 बजे तक रोए रोए रोए, फिर उदास होके सो गए। अच्छी नींद में थे बच्चे, देर सुबह हो गया है। मेरा भाई छेड़ रहा है दोनों को, लेकिन हम लोग रात में सो ही नहीं पाए। ये ट्रेन से उतर के बाहर आने तक टैक्सी खड़ी थी बाहर, लेकिन टैक्सी में भी हमको बहुत देर, कम से कम एक घंटा हम लोग वेट किए। कोई और भी आने वाला था हमारे साथ में, तो खुद की गाड़ी नहीं आई थी, कंपनी का गाड़ी आया था, तो ऑब्वियसली हमको वेट करना ही पड़ा। लेकिन गर्मी लग रहा था। गर्मी की वजह से बच्चे तंग, मैं तंग, सब तंग हो गए थे। लेकिन भूख भी लग रहा था बहुत जोर से, ठंड लग रहा है क्योंकि एसी में बैठे हैं। तो हम लोग ऐसे ही जगह थे क्योंकि कोई इतना जोर से खराटे ले रहे थे, बाप रे। हमारे ट्रेन के अंदर बुलेट, पूरा सबका नींद बिगड़ गया, पूरा कोच में वो एक ही इंसान ऐसे थे कि पूरा कोच पूरा वही आवाज गूंज रहा था, लेकिन खतरनाक साउंड निकाल, अजीब साउंड निकाल रहे थे नींद में। लेकिन हमको बिल्कुल भी नींद नहीं आया, 1 घंटे भी नहीं सो पाई। अभी बहुत नींद आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है तो उनके लिए वेट करना पड़ेगा।